जय जय मानना देवी। तो आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ वापस। आज मैं जा रहा हूँ मेरे फार्म हाउस पे। क्यों भेज रहे हैं मम्मा फार्म हाउस पे? काम देख के खेत देख के आऊँ। और गुरमेल भाई काम करते हुए, गुरमेल भाई कोचिंग से आ गए थे अभी। हम दोनों की कोचिंग है सेम टाइम पे, पर मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं पिछले 4 महीने से कोचिंग नहीं गया और फीस पूरी पूरी दे रखी है मैंने। बीच क्यों रहे हो मेरे को ये तो बता दो। मल्टी कैप ले लिया तो चलो चलते हैं। पापा जी भी रेडी हैं जाने के लिए। देखो पापा बाय। न्यूट्रल है भाई। आज स्कूल थे पापा? आज स्कूल भी नहीं गया मैं। आज स्कूल भी था, आज स्कूल भी नहीं गया मैं आपके साथ जाने के चक्कर में। मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, पहले पापा के साथ आज काम करवा आते हैं। पूरा खेत का पेड़ पौधे हैं जो फालतू के, वो सारे काट आते हैं, पूरी साफ सफाई कर देते हैं खेत की। अभी मैं तो आ चुका था मस्त फार्म हाउस पे, देख सकते हो। या ये न्यू जाली लगा दी अभी लगाई है, पहले तो नहीं थी कुएं में। ओए इधर तो इतने आओ। तो भाई कितना कितना खतरनाक वाला डर रहा है मेरे से वो, बेमतलब बे। 3-4 महीने से आया नहीं हो ना मैं गांव, उस चक्कर में डर रहा है कि ये अनजान आदमी कौन आ गया हमारे गांव में। उन्हें मतलब नहीं है, ओ भगवान कसम। देखिए कीचड़ हो रहा है आगे और मैंने देखा नहीं। किधर से जाऊं मैं, ऐसे जाना पड़ता है इधर से, कीचड़ के अंदर गिर गया होता। चश्मा भी लगा के नहीं आया मैं, वैसे चल रहा हूँ अंधे धुंध में, बस थोड़ा सा बच गया, नहीं तो पूरा गंदा हो जाता फिर मैं। मस्त हो रखी है फसल तो। यहाँ देखिए बुगले कितने सारे हैं, अपनी हिंदी भाषा में बोली बोलते हैं शायद, बंगले बुगले जो भी है। यहाँ एक ये टीटी भी देखने को मिल गई मेरे को, मैं इसे टीटी बोलता हूँ अक्सर, आपका पता नहीं आप क्या बोलते हो पर मैं तो टीटी बोलता हूँ इसको हमेशा। सबसे पहले आके तो ये पेड़ काटने लग गए ये वाले। किस चीज का पेड़ है ये पापा? गुलमोर। वैसे आप इधर की सफाई क्यों कर रहे हो? नीचे बाढ़ हो जाएगी, लकड़ी काम आएगी। अच्छा घर के काम आएंगी ये लड़की लकड़ी। हाँ मतलब वही लकड़ी घर के काम आएंगी। यस क्या फसल में छाया होती है? फसल नहीं होती पेड़ों से। अच्छा शेड हो जाती है गाइस इस ट्री की, हवा नहीं लगती तो हवा वगैरह नहीं लगती और इधर सूरज की रोशनी नहीं जाती तो फसल अच्छी नहीं होती, उस चक्कर में काट रहे हैं। ये बात सफाई जरूरी है। सफाई तो है ही जरूरी। अभी देखिए अपना तो सारा काम वगैरह हो चुका था। कैलाश भाई ये क्या चल रहा है? टोका भैंसों के लिए चारा है। देखो दोस्तों ये भैंसों के लिए है, इसको पीस के अभी भैंसों को खिलाएंगे। यही है ना? हाँ। इसमें क्या मिक्स करते हैं और क्या डालते हैं? हमें भूस भूस रहा था वो पीले पीले रंग का, देखो दिख रहा। देखो कितना सारा है वो। मुझे ये बताओ आपकी भाषा में इस चीज को क्या बोलते हैं? ये जो है इनको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ये तो ट्रॉली है पर इनको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? मेरे को कमेंट कर देना। ये तो ट्रैक्टर है इनका तो ठीक है, मुझे उनका समझ में नहीं आता उनको क्या 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 बोलते हैं। इधर मेरे दादी के साथ ना बहुत सारे पेड़ लगवाए थे, गाजर लगवाई थी, धनिया लगवाया था, धनिया गाजर बहुत कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। और उधर गन्ने लगा रहे थे, गन्ने सारे पटा दिए वहां पर। पर मैं जो बाइक चलाना सीखा था ना, इस बाइक से सीखा था मैं बाइक चलाना। बहुत गिराया है मैंने, बहुत बार फोड़ी भी है इसका। एक बार ये जो रिम रहता है यही तोड़ दिया था मैंने, बहुत बार गिराई है इसका, बहुत स्क्रैच वगैरह मैंने ही दिया है इसके। तो ये बहुत अच्छी लगती थी, एक शाइन और एक ये बाइक मेरे को, तो यही चलाई है मैंने। ये बाइक मैंने बहुत ज्यादा चलाई है, इससे चलाना सीखा हूँ लिटरली गाइस। बच्चों को बिठा के ले जाता था, मेरे को चलानी भी नहीं आती थी, बस कहीं ना कहीं जाके मैं और बच्चे जितने मेरे पीछे बैठे होते सब गिर जाते थे, पर बहुत मजे आते थे उस टाइम ना। और एक हमारे पास एक और बाइक है प्लेटिना, वो हमारी बताऊं मैं कहां पर है। देखो वो घर दिख रहा है ना जो वाइट कलर का, वो वहां खड़ी है, वहां खड़ी है अभी, यहां नहीं है। तो पापा जी उन्होंने कितने सारे पेड़ काट दिए हैं वहां से, ये देखो दोस्तों देखो। और दोस्त लोग भी आ चुके हैं मेरे, नीचे खड़े हैं। देखो दोस्तों कहां से उतरना पड़ेगा मेरे को, ऐसे कैसे गिर जाऊंगा। देखिए
कहाँ से उतरना पड़ रहा है। अपने दोस्त लोग भी आ चुके थे और दोस्त रामदुल्ला राव ये राहुल भाई एंड ये राघव भाई। ये आप कब आए पंजाब से? कल शाम को आए ब्रो 5 बजे। अच्छा पंजाब हो गया सफर में 24 घंटे का सफर था। पंजाब से आए हैं ये कल, आप कितने दिन रुकोगे यहाँ? यहाँ तो अभी तो 2 दिन रुकूंगा, शादी में जाना है, 10 दिन का टारगेट है। चलो ठीक। हाँ जी अभी तो दोस्तों हॉस्पिटल आए हुए थे, थोड़ा एक फाइल वगैरह देनी थी वहाँ पर। राहुल भाई पता क्या हुआ? वो एक आदमी था ना चश्मा लगा के जिसने अपने को अंदर बुलाया था, वो मेरे तरफ ऐसे इशारे कर रहा, हाँ नहीं हूँ मैं उसको कर रहा, 4 बार किया हमने एक दूसरे को, फिर हार के उसने बोला भाई अंदर ही तो आया हो गई नींद में था वो। हॉस्पिटल देख लो आप तो। दोस्तों अभी हम पैसे निकलवाने आए हुए हैं, देखो कितने निकलवाने हैं भाई। खत्म है भाई, ATM कार्ड ही हमारा खत्म है। चलो दो 3 करोड़ होंगे आराम से। नहीं नहीं दे देना 3-4 लाख। 3-4 लाख बस? 3-4 लाख तो 1-1 लाख बहुत है। 1-2-3 बहुत है। निकल जाओगे जी बाहर जी, देख लो तो भाई वो नहीं निकलेगा बाहर। अपना कड़ा फल भाई वाह भाई वाह। हम वीडियो बनाना आगे आज यहाँ पर ऊपर घाटी पे भाई और राहुल क्या करना भाई रेडी? बस एक वीडियो बनानी है बढ़िया, मैं भाग के आऊंगा उड़ूंगा एकदम। मतलब वीडियो ऐसी लगनी चाहिए मैं उड़ रहा हूँ बिल्कुल, भले बाद में स्पाइडरमैन की तरह गिर जाऊं नीचे। हाँ भाई राहुल भाई अंगूठा रेडी कर लो, इसकी घिसाई कर लो फोटो एडिट करने के लिए भाई। चुके हैं अपने इनकी मैंने फोटो खींची 2-4 बढ़िया आई, क्या बोल रहा है भाई राहुल? कुछ नहीं अंगूठा घिसा ले रेडी कर ले, पता नहीं ऐसे बहुत अच्छा बोल रहे थे मतलब फदीजा क्या बताए। एक दिवाली इसका बोल रहा जो नहीं हो अरे जहां मतलब दिवाली होते भाई गजब काके कैसी बनानी है अपने मोड़ा कहाँ है जी? मैं बगाऊंगा ना बना। तू अकेलो भागो मुझे, तू तो मैं अकेलो तू अकेलो पृथ्वी क्या डरेगा मुझसे? यार तो पीट जाऊंगा मैं, कोई भी पीट सकता, कोई ये लेने कुत्ता बुलाए ये ले लो भाई। क्या दी करेंगे अपन जावे हमेशा करेंगे अपन, मेरी एंट्री मार मार मेरी एंट्री अकेले कर। अरे आराम जा रहा सीरियसली दे दी भाई वाह भाई सुपरमैन दोनों हाथ छोड़ के भाई दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा भाई वो बीड़ी अलग पी रहा है, बीड़ी अलग पी रहा है, बीड़ी जला रहा है चलती बाइक पे वाह गजब। चार्ट बन के आ चुकी है ये देखिए, बैठ जाओ ना, क्या कर रहे हो खड़े होके? खड़े मजा आता है? अरे खड़े होके मजा नहीं आता यार, खड़े होके नहीं आता बैठ के आता है ना। बैठ जाओ यार, घुटने टिका के बैठ जाता हूँ, अच्छे नहीं लग रहा है, बैठ जाओ एक बार। टिका के तो आता है ना मजा घुटने टिका के भाई, इनकी बातें समझा करो, डीप मीनिंग डबल मीन। और ये अपने सोनी जी कड़ी कचौड़ी खाई है इनकी आपने बहुत। राहुल भाई पिछले 1 घंटे से खा रहे हैं भाई, कहाँ उठ के चल दिए भाई? भाई खा ले आराम से, खाइए ना। ले भाई यार क्या कर रहे हो आप, पिछले 1 घंटे से खा रहे हो आप, ऐसा क्या है? इतनी सी चाट आपसे खाई नहीं जा रही, टेस्ट है, टेस्ट ऐसा क्या मजा आ रहा है खाने में? खा लूं फिर बात कराऊंगा तुम। देर से खा रहे हैं, 1 घंटा हो गया कम से कम, पूरे सावाद में घूमे आए, सब पूरा काम करे आए, जब से खा रहा है। देखिए राव भाई आपकी बॉडी बताइए एक बार, दांत तो कभी देखी नहीं होगी, दांत के वादे आने वाले, लाइन नहीं होगी, दांत देख लो, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग हॉट, यस लुकिंग लाइक अ वाओ। बॉडी देख के फैन हो रहे हैं लोग आपकी। सर इस बॉडी के पीछे राज क्या है? बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। कैसी मेहनत हमें भी बताइए, हम भी बनाएंगे। आपको यूट्यूब पर मिलेगा राघव सिंह चौहान नाम से, उसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कोचिंग भी कराता हूँ, बिना कैसे निकालना है, कैसे सांस को ज्यादा लिया जाए जिससे बॉडी बढ़े ऑटोमेटिक ये आपको डाइट वगैरह सब बताई जाएगी। आइए मेरी दुकान पे ले चलता हूँ आपको, ये अंडे खाने चाहिए आपको बॉडी बनानी है तो सब फ्री है, कभी नाम ले तू दोस्तों सब फ्री है, सब कभी भी हमारा नाम ले देना इस दुकान पे, आपको फ्री में अंडे खाने को मिल जाएंगे। अपन ने अंकल का पोपट करवा दिया, और कोई ब्लॉग देखेगा सही में आ जाएगा कि फ्री में मिल रहे हैं अंडे।
कौन तो अंकल देंगे तो मैं कौन सी बात है अंकल अंडे नहीं दे पाएंगे मुर्गा अंडे दे रहे हैं अंकल जी अंडे देंगे मर गए थे लड़के अगर ये माफ करते अंकल अंडे देंगे तो आ जाएंगे खाने क्या कर रहा है भाई कुछ नहीं कुछ तो भाई इसको किसने धोखा दे दिया भाई ये इतना सैड क्यों रहता है आजकल देखना ये चरा दे बंदे भाई ये इतना सैड क्यों रहता है भाई क्यों खाना खा लिया जुबान नहीं खुलती गाइस जैसे किसी ने दिल तोड़ दिया हो तगड़ा वाला मैं तो तेरा भाई हूँ बता दे ए हैं बेटे बाबू ओ बाबू परेशान ना कर अगर रोज आ जाता चोट बाबू बाबू का धोखा मिल गया दोस्त बाबू बाबू मुझे आज तेरा इंस्टाग्राम चेक करवा बाबा इंस्टाग्राम चेक नहीं करवा रहा मतलब समझे मतलब समझे मतलब क्या बोल रहा है कि व्लॉग में मत डालना ये सब मुझे इंस्टाग्राम चेक करवा दे ये देखो बंद कर दिया यार मतलब भाई समझ रहे हो ना बंद क्यों किया है मतलब चक्कर है बाबू भाई बता फोन तो नहीं दिखाऊंगा भाई ना फोन तो नहीं दिखाऊंगा मतलब आपको नहीं दिखा पा रहा पर ऐसे देख लेता हूँ मैं भाई अभी देख लिया मैंने राहुल रोज करना इंस्टाग्राम से लाइव आओगे 50 सिल्लियों में नाना रिकॉर्ड बनाना सुंदर सांगवान 30 सिल्लियों में ना लिया माल है रात घी ज्यादा खा कोई बात नहीं है भाई का कोई चक्कर नहीं है मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था तो भाई बोल रहा था कि ये ब्लॉग मेरा काट देना तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है लिटरली वो तो मैं इसके मजे लेने लगा रहता हूँ ये ज़्यादातर शांत सा रहता है ना बिल्कुल साइलेंट ठीक है पूरे 8 लाख का बिका बीच वाला पैसा तू समझा गाइस वो दोनों ही भैंसे